तो गाइस अगर आपका बजट है 25,000 रुपीस और इन पैसों से आप एक मोबाइल नहीं पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो बॉस आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो आज के इस वीडियो में हम 25,000 रुपीस के अंदर एक मैक्स टू पॉसिबल पीसी बिल्ड करने वाले हैं जिससे आप आपका कोई भी काम कर सकते हो। सो हे गाइस यू आर वॉचिंग द टेक ट्रेजर 100 यूट्यूब चैनल, सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो देखो गाइस आपका बजट है 25,000 रुपीस, तो इन पैसों को भी आप कम मत समझना, इससे भी आप एक बहुत अच्छा पीसी बिल्ड कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ दिमागी खेल खेलना पड़ेगा। तो कौन सा टिप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। टिप नंबर वन, अगर आप पीसी कॉम्पोनेंट बाय कर रहे हो तो आपको पता होना जरूरी है कि बहुत सारा वेबसाइट ऐसा है जहाँ पे आपको अमेजोन से भी कम प्राइस में पीसी मिल सकता है। तो इस रिगार्डिंग मेरे चैनल में आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप जरूर से फॉलो करना। टिप नंबर टू, तो आपके पास 25,000 रुपए है तो से आप कुछ ऐसा मत खरीद लेना कि आप कुछ हाई एंड प्रोडक्ट खरीद लो और कुछ लो एंड प्रोडक्ट खरीद लो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, तो बॉटम लाइन होने लगेगा और पीसी का प्रोडक्ट का पैसा आप वेस्ट कर दोगे। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट सही होगा इस बिल्ड के लिए ये सब आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा और सभी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल बेस्ट होगा। सो चलिए पीसी के स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइस सीपीयू में हमने चूज किया है राइजन 5 4600G, बजट बहुत ही लिमिटेड है और इस बजट में हम कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं ले सकते ताकि बजट हाई हो जाए, तो इसीलिए हमने एक राइजन का एपीयू चूज किया है। अगर ये प्रोसेसर आप यूज करोगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड आपको यूज करना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रोसेसर में बहुत ही अच्छा आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड देखने को मिल जाएगा विद 19 MB का L3 कैश के साथ एंड 3.7 GHz का मैक्स क्लॉक एंड 4.2 GHz का बेस क्लॉक देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये प्रोसेसर ना DDR4 रैम सपोर्ट करता है, वो भी ड्यूल चैनल 3200 MHz तक एंड 65W के TDP होने के कारण बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है। PCI Gen 3 का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जिससे आप बहुत ही अच्छा फास्ट SSD या फिर M.2 यूज कर सकते हो। एक तरीके से मान लो कि ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है इस बजट रेंज में, आपको 7 कोर देखने को मिल जाएगा ग्राफिक्स का। तो गाइस इसका जो बेस प्राइस है Amazon में फिलहाल 9,497 है, तो अभी ये सेल पे है तो आप यहाँ से फटाफट से बाय कर सकते हो। बट गाइस तो कभी कभार क्या होता है कि ये प्रोसेसर बहुत ही ऊपर पहुंच जाता है प्राइस में, तो अगर आप चाहो तो वेदांत कंप्यूटर का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो यहाँ से भी प्रोसेसर बाय कर सकते हो, तब देख सकते हो यहाँ से थोड़ा कम मिल जाएगा आपको। तो गाइस जो प्रोडक्ट में सजेस्ट करूंगा सभी कंपोनेंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो होगा Amazon का एफिलिएट लिंक। अगर व्हाट्सएप बाय करोगे तो चैनल को थोड़ा हेल्प जरूर से होगा, तो प्लीज वहां से बाय कर लेना। तो चलते स्क्रीन पे। तो गाइस आपको मदरबोर्ड लेना है गीगाबाइट V450 MDA3V2 मदरबोर्ड, बिकॉज इस मदरबोर्ड में आपको राइजन का सभी जनरेशन का प्रोसेसर सपोर्टेड है एंड यहाँ पे साफ साफ लिखा है राइजन 2nd जनरेशन विद वेगा ग्राफिक्स प्रोसेसर भी सपोर्टेड है। तो हमारा प्रोसेसर जो है APU है जिसमें वेगा ग्राफिक्स है एंड गाइस इसमें आपको 4 RAM स्लॉट देखने को मिल जाएगा जिसमें DDR4 RAM 3600 से 3200 MHz तक RAM सपोर्टेड करेगा। तो हमें 2 RAM स्लॉट की जरूरत है, तो इसमें वो अवेलेबल है। इसमें हमको अलग से बहुत सारे SATA केबल्स एंड फैन कंट्रोलर पोर्ट्स देखने को मिल जाएगा और गाइस इसमें हाई क्वालिटी ऑडियो चिप लगा हुआ है जिससे आपका एडिटिंग का काम और रिकॉर्डिंग का काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो गाइस अगर आप यूज करना चाहते हो कोई LED स्ट्रिप लाइट इसमें, उसका भी सपोर्टेड है जिससे आप RGB फ्यूजन के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। तो गीगाबाइट का ये मदरबोर्ड आपको 7,099 रुपीस में आपको ये Amazon में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी सेल चल रहा है तो इसलिए आपको ये प्राइस में देखने को मिल रहा है। बट अगर आप सेल के बाद मेरा ये वीडियो देख रहे हो और तभी इसका प्राइस हाई हो चुका है। बट गाइस अगर आप टेक्मा डनबॉक वेबसाइट से इसे बाय करना चाहते हो तो ये हर वक्त 6,999 रुपीस में मिल जाता है इस टेक्मा डनबॉक्स वेबसाइट में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से बाय कर लेना। गाइस अगर आप सोच रहे हो कि टेक्मा डनबॉक्स से बाय करना सही होगा कि नहीं, तो मैं बता देता हूँ इसके रिगार्डिंग मेरे चैनल में एक सेपरेट वीडियो है, आप जाके देखो तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप यही से बार बार पीसी प्रोडक्ट खरीदने में मजबूर हो जाओगे क्योंकि प्राइस बहुत कम है। तो अब आपको लेना है एक रैम स्टिक, तो जीस्किल रिपजॉस V8GB DDR4 का ये रैम स्टिक बहुत ही बढ़िया है, देखने में भी क्लासिक लगता है, बिल्कुल ब्लैक कलर में है और इसका रेड वर्जन भी अवेलेबल होता है कभी कभी, बट अब ये ले लेना। और ये DDR4 3200 MHz का है, तो हमारा जो मदरबोर्ड है और प्रोसेसर है 3200 MHz तक रैम को सपोर्ट करता है, तो हमें यही रैम लेना है ताकि बाद में हमें कोई ओवरक्लॉकिंग का झंझट ही नहीं रखना है, तो बहुत ही बेस्ट है। और इसका प्राइस अमेज़न में 1585 रुपीस तक है और कभी ये फ्लैक्चुएट हो जाता है 100-200 रुपये, तो आप जरूर से इसे बाय कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
तो जैसे कि गाइस हमारा प्रोसेसर ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग नहीं करता है तो हमें 450 वाट का एक पावर सप्लाई लेना है। तो 450 वाट पावर सप्लाई एक मोर देन एनफ है आपके पीसी के लिए। तो ये पावर सप्लाई आपको लेना चाहिए एंडिसफोर्स VS450L। तो ये नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, इसमें जो मेन केबल देखने को मिल जाएगा वो प्रिंटेड देखने को मिल जाएगा विद ब्लैक कोटेड। एंड ये पावर सप्लाई में आपको अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इस पावर सप्लाई से हमने एक पीसी भी बिल्ड किया है जिसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल विजिट करके आप देख सकते हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग है, देख ही सकते हो 4.3 का रेटिंग है। 3 से 4 3,500 से ज़्यादा लोग इसे बाय किया है अमेजोन से। तो अगर आप भी इसे बाय करना चाहते हो, इसका प्राइस है 1637 रुपीज़। तो फिलहाल फ्लैक्चुएट होता रहता है तो आप जल्दी से इसे बाय कर लेना, लिंक आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस स्टोरेज के लिए आपको यूज़ करना है एक SSD। हार्ड ड्राइव आप बिल्कुल भी मत लेना क्योंकि उससे पीसी स्लो होता है, एंड SSD से आपका पीसी फास्ट भी रहेगा और काम करके मज़ा भी आएगा। तो WD 240GB का ये SSD बहुत ही अच्छे प्राइस में अभी देखने को मिल रहा है और इसमें आपको 3 ईयर्स का वारंटी भी देखने को मिल जाता है, बहुत ही ईजिली से क्लेम हो जाता है। मेरा भी SSD है, मैं भी फिलहाल यही SSD यूज़ कर रहा हूँ 240GB। तो WD का ये SSD आपको अमेजोन में फिलहाल 1100 से 1200 रुपये में देखने को मिल रहा है। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप इसी से काम चला लेना। बाद में फ्यूचर में आप थोड़ा पैसा ऐड करके एक हार्ड ड्राइव ले लेना और इसमें आप विंडोज को इंस्टॉल करोगे तो आपका पीसी भी फास्ट रहेगा, तो जरूर इसे बाय कर लेना। तो गाइस सारा कंपोनेंट हमने बाय कर लिया, अब बाकी है कैबिनेट। तो कैबिनेट में आपको ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, आप आपके पसंद से भी कोई ले सकते हो क्योंकि कैबिनेट ज्यादा वेरी नहीं करता, वेरी करता है तो पीसी का कंपोनेंट। तो कंपोनेंट में आपको जरूर से जरूर अच्छा पैसा खर्च करना चाहिए, कैबिनेट में कोई भी दे सकते हो। फिर भी मैं एक आपको सजेस्ट करता हूँ, सिप्ट्रॉनिक्स Z80। ये गेमिंग कैबिनेट बहुत ही अच्छा है, लुक्स में जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो सभी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ मैच डिजाइन होने के कारण आपका एयरफ्लो अच्छा बना रहेगा और साइड में टेम्पर ग्लास है और आपको कुछ लुक एस्थेटिक लुक मिले तो अच्छा है। वैसे ये कैबिनेट क्लासिक ब्लैक लुक को आता है। तो 8GB लाइटिंग फैन देखने को मिल जाएगा, सामने 2 फैन है। तो ये कैबिनेट का फिलहाल प्राइस है 1988, तो 2000 के आसपास से मिल जाता है हर वक्त तो अमेजोन में। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से बाय कर लेना। तो गाइस अब है हमारा फाइनल कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट जो है ना ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है बिकॉज 25,000 के रुपीस के अंदर आपको मॉनिटर भी मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये मॉनिटर 2899 रुपीस में मिलता है, लगभग 2900 रुपीस में मिलता है, लेकिन ये ओनली 17 इंच का मॉनिटर है, इंटेक्स का LED मॉनिटर है। बट गाइस ये एक IPS पैनल है जिसमें आपको कलर की एक्यूरेसी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। उसी के साथ इसमें 5 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम है जो कि गेम में बहुत ही काम आएगा, एंड 60Hz का रिफ्रेश रेट है। तो मैं जो मॉनिटर यूज़ करता हूँ HP का मॉनिटर यूज़ करता हूँ, उसका प्राइस 10,000 था लेकिन उसमें भी ये सेम स्पेक्स है, आप समझ सकते हो 3,000 रुपये में आपको सेम स्पेक्स मिल रहा है, सिर्फ साइज में थोड़ा डिफरेंस है। मेरा 24 इंच का है, ये 17 इंच का है। बट अब चूज़ करना 22 वाला ऑप्शन ही, 23 ऑप्शन चूज़ मत करना, 22 वाला ऑप्शन चूज़ करना, आप देख सकते हो नीचे, तभी आपको ये सेम प्राइस में आपको फ्लिपकार्ट में देखने को मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे ज़रूर ज़रूर से बाय कर लेना। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो तो थैंक यू गाइस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। एंड गाइस यही सारा कंपोनेंट अब यूज करना ताकि आपका पीसी बॉटल लग ना हो और आपको बेस्ट प्राइस में देखने को मिल जाए। आई होप आपने पूरा पीसी बिल्ड करना सीख लिया है। और गाइस मैं कीबोर्ड और माउस इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो आप 100 रुपये में कुछ भी ले लेना अभी फिलहाल काम चलाने के लिए और बाद में जाके उसे अपग्रेड कर लेना। फिर भी अगर आपको चाहिए कीबोर्ड और माउस तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप बाय कर सकते हो। एंड गाइस आज के लिए इस वीडियो को हम यही पेंड करते, फिर मिलते हैं दूसरे किसी टॉपिक पे।